माजी राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर ड्राइंग कंपटीशन। भिवंडी स्थित दामनकर नाका मित्र मंडल व स्वाभिमान सेवा संस्था द्वारा भारत के जो राष्ट्रपति व महामानव डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर ड्राइंग कंपटीशन का आयोजन किया जाता है। इसी प्रकार इस वर्ष भी अंजुर पाटा स्थित होशवाल हॉल में संस्थापक अध्यक्ष संतोष शेट्टी जी के मार्गदर्शन में रखा गया था, जिसमें भिवंडी शहर के कई स्कूल के प्राइमरी व हाई स्कूल के करीबन 4,000 के ऊपर विद्यार्थियों ने भाग लिया। इसका नियोजन ही बहुत अच्छे से किया गया। विद्यार्थियों की संख्या ज्यादा होने से विद्यार्थियों को प्रतियोगिता प्रमाण पत्र स्कूल के शिक्षकों को दिया गया। इसके उपरांत विद्यार्थियों को बिस्किट व फ्रूटी का भी वितरण किया। इस अवसर पर राजेश शेट्टी, मोहन बल्लेवार, नरेश हीरावती, डॉक्टर नूर खान, राकेश पटवारी, हसमुख पटेल, श्रीनिवास गंडूरी व अन्य कई पदाधिकारी व कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित थे। गणपति हर साल जैसे रखते हैं, ये साल 36वां साल है और जब हमारा 25वां साल था उस टाइम 25 साल उन लोगों ने दो तीन कार्यक्रम का नियोजन किया था, जिसमें ड्राइंग कॉम्पिटिशन भी था। और उसी टाइम हमारे डॉक्टर अब्दुल कलाम राष्ट्रपति थे, वो भी उनका भी इंतकाल हो गुजर गए थे। तो हम लोग अच्छा एक सोच ऐसी थी कि उनका नाम भी इस दुनिया में जिंदा रहना चाहिए। तो सबसे अच्छा क्या रहेगा, तो उस टाइम पे जो राजेश सर थे हमारे, जो अभी नहीं रहे हमारे साथ, तो उन्होंने मुझे ड्राइंग कॉम्पिटिशन लेने के लिए अच्छा आइडिया दिया था। और फिर मैंने भी स्वर्गीय अब्दुल कलाम जो नाम है वो जिंदा रखने के लिए उनके नाम से ये ड्राइंग कॉम्पिटिशन चालू किया। और आज इसका 12 साल हुआ है। और उस टाइम जब मैं लिया था तो सब स्कूल के बच्चों को इन्वाइट किया था और बच्चों के साथ मैंने देखने को मिला मुझे कि पूरे हमारे हिंदू मुस्लिम सब भाई बहन साथ में बैठ के एक दूसरे पहचानते नहीं लेकिन एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे, तो मुझे वो अट्रैक्शन लगा था। और धामणा का जो पैदा हुआ धामणा का मित्र में तो 81 दंगे के बाद 81 में हमारा लिए थे, हम लोगों ने स्थापना किए थे सब समाज को लेके, तो इधर मुझे वो सब चीज़ दिखा कि उसको कंटिन्यू रखा। 3,500 बच्चे इसमें पढ़ते लेते और गए 12 साल से काम कर रहे। ये बार भी हम लोग ने होशवाल हॉल में रखा ताकि बच्चों को और भी उनके फैमिली को और भी अच्छा सहूलत मिले। और आज भी यहाँ पे बच्चों के साथ साथ जो पेरेंट थे उनके लिए भी हमारे मित्र डॉक्टर नूर और डॉक्टर नूर प्रोफेसर नरेंद्र एक बहुत अच्छा फैमिली को उन्होंने इंट्रक्शन किया कैसे बच्चे को रहना चाहिए, आप लोग कैसे बच्चे को रहना चाहिए, एक बहुत अच्छा उन्होंने बातचीत फैमिली से किया। और जिनका असर में देखा फैमिली में हुआ। और नरेंद्र सब जब उनको बता रहे थे कि इतने आपका आंसू भी आए, डॉक्टर नूर ने एक ऐसा एनर्जिक उन्होंने बातें बताया कि सब फैमिली में जो आजकल के दौर में जो बच्चे और माँ बाप में होता है वो चीज़ के जानकारी दिया और बहुत फैमिली ने उसको सराहा किया। इसलिए दोनों का ही मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ और स्वाभिमान सेवा संस्था और धामणा का मित्र है, इन सभी जो भी हमारे चेतन है, हमारा विनीत है, नीरज कपूर है, जिन्होंने अच्छा फील्ड वर्क किया था, और हमारे जो अध्यक्ष है हसमुख भाई पटेल, हमारे विनोद भावशाली, इनकी देखने में अच्छा काम यहाँ पर उन्होंने किया। ना इस बार एक बात की जाए जो नया आप लोगों ने रखा है घर गुदी गर्ल्स स्पर्धा के लिए, उसके बारे में थोड़ी जानकारी दी। नहीं, क्या होता जब भी हम लोग गणपति जी हम लोग गए 21 साल से जिला वाइज रखते हैं, जो भी गणपति अच्छा रहेगा उसको हम लोग डिस्ट्रिक्ट में भिंड शहर में रखते थे। हमको बहुत सालों से हमारा घर को देखने आओ और बहुत जब मुझे जबरदस्ती लेके भी आते देखने के लिए। ये बार 6 महीने पहले हम लोगों ने प्लान हो गया कि ये बार घर गुदी का भी प्लानिंग करना चाहिए। तो शुरुआत जो विधानसभा पूर्व विधानसभा है जहाँ पर मेरे को जिम्मेदार दी गई, वहाँ पर हम लोग मंडल वाइज हमारे अक्षर पाटिल हम लोग से मिल के प्लानिंग किए और मंडल वाइज काम किए। कम से कम 600-750 हमको ऑनलाइन फॉर्म आया। कल से हमारे जब जजेस निकले एक बहुत बेहतरीन रिस्पांस उनको मिल रहा है, तो मुझे लगता है 1,500-2,000 लोग में जाना और बहुत कठिन काम रहता है, लेकिन 3 टीम बांटा हूँ। और इसमें क्या दिया हम लोग ने, राष्ट्रीय गर्व था आजकल का जो दौर चल रहा है छेड़छाड़ करना बच्चियों को, साफ सफाई के बारे में
ऐसे बहुत सी चीज़ उसमें हम लोग पॉइंट लिए और सब लोग उसका पॉइंट को अमल में ला रहे थे। धामंडा का मृदंड अगर फाइट लेता है पुलिस कमेटी का, हम लोग गए तो 25-26 साल से तो उनके नियम पालते थे हम लोग, उनके नियम मेरी जीती राष्ट्रीय जमा था सबको साथ मिलकर चलना। और आज हम लोगों ने स्टेट में भी उसको स्कोकन में फर्स्ट फाइट लिया था, तो वही नियम सोचते जैसे हमारे नियम से हमारे कार्यकर्ताओं में हमें बहुत बदलाव आया। ऐसे बदलाव हर घर में ये रखने से हर सोसाइटी में हर एरिया में एक अच्छा भिवंडी कैसे बने उसके बारे में हम लोग सोचे। अच्छा ना, इस ड्राइंग कंपटीशन में कितने स्कूल और कितने बच्चों ने भाग लिया है? ये बार इस ड्राइंग अभी जो मालूम लिया मैंने यूनिवर्सल से, विनीत से और चेतन से, तो 3,500 बच्चे हर साल की तरह इसमें ज्वाइन हुए और हर कास्ट के लोग इसमें जाए। और एक बच्ची ने एक ये भी संदेश दिया है कि आपने जो APJ अब्दुल कलाम के नाम से जो ड्राइंग कंपटीशन लगा उसी को प्रेरणा होकर यहाँ पर फर्स्ट प्राइज जीत कर स्कूल में भी एक आज टीचिंग कर रही है और क्लासेस भी चला रही है, तो उसके बारे में क्या? हमारी दिया बच्ची जो है हमारे रामनगर मित्र मंडल के भी अच्छी कार्यकर्ता है और यहाँ पे उन्होंने कुछ साल पहले प्राइज जीत लिया था, आज इधर जज बन के आई है और सबसे बड़ी बात टीचर भी है ड्राइंग कॉम्पिटिशन। अब बहुत होशियार लड़की हमारी। आज के युवा बच्चों के लिए क्या संदेश देना चाहिए? बस जैसे मैं युवा में आगे बढ़ा लोग का सपोर्ट लेके, ऐसे हर युवा अपने अपने फील्ड में अच्छा काम के लिए आगे बढ़ना चाहिए। थैंक यू जो मुझे ये मंच का मैं बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ संतोष जी अन्ना का भी, मैं बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। ये मंच सभी मतलब अंदर के आर्टिस्ट को मैं बहुत जागृत करता है। मैं उस 9 के बाद अक्सर होता है कि ड्राइंग स्कूल के अंदर ड्राइंग खत्म हो जाता है और यहाँ पे बच्चे 12 तक ड्राइंग करते हैं और 12 तक ड्राइंग के साथ अटैच रहते हैं। सो मैं ड्राइंग तक इधर अटैच थी, मेरे को इधर स्कोप दिखा, मैं ATD की, अभी मैंने क्लासेस मेरा ड्राइंग क्लास चालू किया, फिर मैं आर्ट टीचर स्कूल में लग गई, सो मेरा करियर बन गया। थैंक यू दामन आका मित्र मंडल स्वाभिमान सेवा संघ का सबके, मेरे तो एक नाम बना दिया है। थैंक यू सो मच और अभी के बच्चों का हुनर भी पहचान कर रहा है। थैंक यू।